सलमान खान के सामने उठेंगे रूबीना और जैस्मिन के दोस्ती पर सवाल। तामिया पंजाबी देवोलीना भी करेंगे इन दोनों की दोस्ती को लेकर कई बातें। वेल, आपको बता दे क्या है रिपोर्ट डिटेल में। आपको बता दे रूबीना दिलायक और जैस्मिन भसीन एक टास्क के दौरान भिड़ गए थे, जिसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई और अब यह दरार बढ़ती ही जा रही है। पर अब ऐसे में रूबीना है जो कि जैस्मिन के संग अब भी दोस्ती निभाना चाहती है, पर जैस्मिन को नहीं है रूबीना पर थोड़ा सा भी विश्वास। और इसी के चलते रूबीना बार बार जैस्मिन से बात करने जा रही है, पर जैस्मिन है जो कि रूबीना को थोड़ी सी भी भाव देती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, यही बात है जो कि अब सलमान खान को भी अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते आने वाले वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान लगाएंगे रूबीना और जैस्मिन की क्लास और रूबीना को ये भी कहेंगे कि तुम्हें जैस्मिन पर अब भी क्यों भरोसा है, जैस्मिन तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, इस बात पे अब तुम यकीन करो। जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दे वीकेंड के वार एपिसोड में भी रूबीना और जैस्मिन सलमान खान के सामने लड़ पड़ेंगे। वही दूसरी और आपको बता दे आने वाले हफ्ते में सलमान खान करने वाले है बड़ा खुलासा, जहाँ इस बार बिग बॉस का सीन पलटने वाला है। जी हाँ, जो कि आपको बता दे फिनाले होने वाला था जनवरी महीने में, पर अब सलमान खान ने इस बात का खुलासा किया है कि फिनाले जनवरी में नहीं तो अगले महीने ही होगा, जहाँ इस फिनाले में सिर्फ 4 कंटेस्टेंट शामिल होंगे। वेल, सलमान खान ने तो खुलासा कर दिया है और वही दूसरी ओर घर में है जो कि रूबीना और जैस्मिन के दोस्ती में दरार आ गई है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन होंगे वो टॉप 4 कंटेस्टेंट। वेल, रिपोर्ट पे आपका क्या है कहना आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शो से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।